देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1150 नए मामले रिकॉर्ड हुए। 4 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसेस घटकर हुए 11,558। अब तक कोरोना से 4,30,31,958 लोग हो चुके हैं संक्रमित। सांसद सुब्रत पाठक ने असम में हनुमान चालीसा के मामले पर बड़ा बयान दिया। कहा, हिंदुओं के देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर क्या पढ़ा जाएगा। आज लखनऊ में समग्र गंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ में अजान और लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा विवाद के बीच अब राज्य मंत्री रघुराज सिंह का बयान आया सामने। कहा, ये 85% बनाम 15% का मामला है। किसी भी इस्लामिक देश में लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह ने अयोध्या में हनुमान चालीसा वीडियो एल्बम को किया है रिलीज। सुखविंदर सिंह ने रामलला के दर्शन अपनी पूरी टीम के साथ किए। कर्णप्रयाग में मां नंदा के धर्म भाई सिद्धपीठ लाटू देवता मंदिर के कपाट 6 महीने के बाद खोले गए। भगवान लाटू का यह मंदिर चमोली के देवाल ब्लॉक स्थित वाण गांव में है। नैनीताल में पर्यटकों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। पुलिस के अभद्र व्यवहार से पर्यटक अपनी बच्ची के साथ मॉल रोड से लौटा। शिकायत करने पर पुलिस ने नहीं की अब तक कार्रवाई। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। 168 रिक्रूटों ने सिपाही पद की शपथ ली। उत्तरकाशी में मां रेणुका माता का मेला भव्य और दिव्य तरीके से मनाया गया। बरसाली पट्टी के 18 गांवों के देवी देवता इस मेले में शिरकत करते हैं। लक्सर तहसील परिसर में दरगाहपुर के ग्रामीणों ने भीम आर्मी के सहयोग से जमकर किया बवाल। प्रशासन की ओर से बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर विरोध हुआ। 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले इसको लेकर मुस्तैदी दिखाई जा रही है। देहरादून में ट्रैफिक जाम को लेकर पुलिस ने बनाया प्लान। पुलिस ने स्कूलों को 40-40 मिनट के अंतर में बच्चों की छुट्टी करने की बात कही है।